केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? वो लोग देश को आजादी दिलाने के लिए जेल गए और मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं? ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने अभी कहा, अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आपका नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हुआ, रिश्वत दिया जाए, हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी। हम बातें आप पुनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे, और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं और आज देश को बचाने की जरूरत है। तो आपकी बातों पे भरोसा कैसे? भरोसा आंदोलन के दौर भूलते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं पद का लालची नहीं हूँ। आप बहुत निर्लज हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। अब इसी को देखते हुए हमारे दिल्ली वाले सर जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी फैसला किया कि अब मैं भी इंटरव्यू दूंगा। तो दोस्तों, पहले उनकी तरफ से बुलावा आया इंडिया टीवी को, और इंडिया टीवी की तरफ से गई पिनाक त्यागी हमारे सर जी का इंटरव्यू लेने। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे सर जी तैयार थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन हमारे दिल्ली वाले सर जी के साथ हो गया धोखा। सर जी ने जो पेपर भेजा था सवालों का, वो पेपर बदल दिया गया, और न्यूज एंकर ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिसे देखने बाद हमारे दिल्ली वाले सर जी अगली बार किसी को इंटरव्यू देने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है कि उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कट्टर ईमानदार से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच, और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में, और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे, और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी कि कब आजादी मिलेगी, कब आजादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आजादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए, मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, दो नहीं तो चार नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं, कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मनीष सिसोदिया जी और सतेंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा, किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे, तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया, मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूं, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं,
कुछ यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? ये बढ़िया था गुरु। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चला के, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप ये ऑर्डर लेके बैठे हैं, ऑर्डर से बहुत कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है इस देश के अंदर। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं और आज देश को बचाने की जरूरत है, तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के दो टुकड़े किए कि नहीं किए? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो कोई जाना क्यों? आपकी पार्टी के तो नहीं हो रहे दो टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया, अब FIR होती है, FIR के बाद सबको अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पे सो कॉल्ड शक होता है उसको सबको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर अरेस्ट के बाद जांच चलती है, आप जेल में रहते हो, फिर मुकदमा चलता है, आप जेल में रहते हो। जब तक कोर्ट आपको निर्दोष ना करार दे दे तब तक आप जेल में रहते हो। अरविंद जी, आप एक मिनट, पीएम के दौर भूल गए, एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल गए, सागर लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो, एक मिनट, उस पे भी आऊंगा। इस कानून के तहत जितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कुछ साबित हुआ, 5000 से ज्यादा ईडी ने केस किए हैं अभी तक, उसमें 25 लोगों के भी खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाया, सारे केस फर्जी करते जा रहे हैं। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है, जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको PMLA में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। सोनिया गांधी, हमें ऐसा कानून चाहिए जिसमें असली लोग, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला हुआ, इतने सारे घोटाले हैं उसके अंदर, हर डोनेशन जो है वो एक घोटाला है, उस घोटाले की जांच कौन करेगा? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आज वो बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी भी जेल में होंगे। मोदी जी तो 10 साल जीते हैं भाई, अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनरई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे, देश को इसी तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं, जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कर तो रहे हैं, हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप बायस्ड हो, हाईकोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने, ताजा मामला है, मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष में बेल नहीं मिली थी ना, पीएमएलए आखिरी के थे उसका मैं एक्सप्लेन कर देता, आखिरी के दो पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाईकोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं तो समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है। मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप अपने प्रेजुडिस में इतना प्रेजुडिस मत होइए कि सुप्रीम कोर्ट से अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था, आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों की साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना, नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी,
तो मुझसे मांग लेते हैं। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया, वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक कहाँ, कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालीवाल पर, संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे, संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं नहीं, मैंने बार बार आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोई सेंस है इस बात की? मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, मैं पद का लालची नहीं हूं। जब इनकम टैक्स कमिश्नर होता था, एक दिन इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था। अपने मन से इस्तीफा दिया था, कोई नहीं देता इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से। मैं जब 49 दिन के लिए सीएम बना तो खुद सीएम की कुर्सी को लात मार के आया था। इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी वहां वहां ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक, जनतंत्र के लिए खतरनाक होगा। जब आप बिना जनतंत्र के, एक बिना फैसला आए इस्तीफा मांगा करते थे, जेल में डालने की बात किया करते थे। आप मेरे को पूरा तो कर लेने दो। तो ये लोग जनतंत्र को कैद करेंगे और हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल के अंदर से अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जेल के अंदर सीएम की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। और अगर मैं चला पाया तो मोदी जी फिर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं। ये मैं नहीं कह रही, गृहमंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किस में ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में? कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले आपकी पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके भी? हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहे तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं नहीं, कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव? उन्होंने तो सारी जांच कराई है, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन, आपने कहा मैंने माना, अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं, उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी, कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज उनके मैं साथ इस टाइम देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। इंडिविजुअल से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई भ्रष्टाचारी? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।